थैंक यू सो मच फरहाना। व्यूअर्स, आज आपने देखा हमारा जो इंटेंस वर्कआउट है, आप लोगों को दिखाया गया ताकि आप लोग अपनी एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज कर लें। और वक्त हो चुका है कि शीज का हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप है हेल्दी फैट्स के बारे में। आपने देखा होगा हमेशा कहा जाता है कि फैट अपनी डाइट से कम कर दो, अच्छा वेट लॉस की तरफ जाना है तो फैट खाना बंद कर दो और फैट बिल्कुल हटा दो, फैट मिनिमम हो, फैट नहीं हो। और फैट हेल्दी फैट्स भी एक चीज़ है भाई, अगर हम हेल्दी फैट्स लेंगे तो फिर हमें उनको कम मिनिमाइज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होती है गुड फैट, एक चीज़ होती है बैड फैट। बैड फैट इज़ समथिंग जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए और गुड फैट इज़ समथिंग जो हम लोग को खाने चाहिए। वो हमारी इमोशनल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जी। और जो चीज़ें आती हैं हमारी गुड फैट में वो हैं, सबसे पहले तो ओमेगा थ्री, आपने सुना होगा ओमेगा थ्री इज़ वेरी गुड। ओमेगा थ्री तो हम लोग को डेली बेसिस पे लेना चाहिए, ये हमारे न्यूरॉन्स, उनके कनेक्शन, हमारी इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच वी डोंट रियलाइज, विच वी डिडंट नो। उसके बाद जो दूसरी फैट हम खा सकते हैं वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, नहीं जी मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मोनो और पॉली में क्या क्या आता है। मोनो में आता है ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट्स, हर तरह का नट्स, पीनट बटर, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी मोनो अनसैचुरेटेड में आती हैं। और कितनी हेल्दी हैं ये चीज़ें, हम लोग इनको डेली बेसिस पे खा सकते हैं विदाउट वरिंग कि ये हमारी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगी, आराम से खाइए जी। इसके बाद जो पॉली अनसैचुरेटेड आता है वो आते हैं सोयाबीन, कॉर्न, वॉलनट्स, ये चीज़ें वो हैं, और सनफ्लावर, वो जो लोग सूरजमुखी के बीज खाते हैं वो, ट्यूना फिश, हम लोगों की ट्यूना फिश कितनी इंपॉर्टेंट है, सोया मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर हम लोग सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमें मोटा कर देंगी तो जी ये मोटा नहीं करेंगी, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं। हाँ, अब जो चीज़ आपने कम खानी है मैं वो बता दूँ, बैड फैट की तरफ आते हैं, सैचुरेटेड फैट्स की तरफ। अभी तक हम अनसैचुरेटेड फैट पर बात कर रहे थे, अब हम सैचुरेटेड पर बात करेंगे जो कि बुरी है, ठीक है। उसमें आता है गोश्त, ठीक है, अब वो गोश्त किसी भी तरह का हो सकता है, जिस तरह का गोश्त आप लेते हैं वो, चिकन जिसके ऊपर उसकी स्किन चढ़ी हुई हो, जो लोग ब्रोस्ट बहुत खाते हैं वो स्किन के साथ चिकन खाते हैं। फिर उसके बाद दूध, फुल क्रीम, फुल जो रिच दूध होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, स्किम की बात नहीं कर रही। अब ये कि मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग ये चीज़ें टोटली अवॉइड, इसकी क्वान्टिटी थोड़ी कम करनी है, कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करनी है। उसके बाद मक्खन, चीज़, आइसक्रीम, सब अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम इसमें आ गए हैं फॉर सम रीज़न, आई एम सो सॉरी, बट क्या किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमारी जाती हैं सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। सैचुरेटेड फैट का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप नहीं खाएं, आप इनकी क्वांटिटी कम करके जी ये भी खा सकते हैं। जो ट्रांस फैट आती है जो कि अगैन गंदी है, वो आपको किस चीज़ में मिलेगी, वो आपको मिलेगी कमर्शली बेक्ड जो चीज़ें होती हैं, जो आपको बेकरी में मिलती हैं उन चीज़ों में आपको मिलेंगी, वो आपको हमारे स्नैक फूड में मिलेगी, क्रैकर्स में मिलेगी, पॉपकॉर्न्स में मिलेंगी जो माइक्रोवेव में बनते हैं, फ्राइड फूड में मिलेगी और कैंडी बार्स में मिलेगी। हाँ जी, अगेन सारी अच्छी चीज़ें इनमें आ गई हैं, बट अगेन देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, सोया, ये वो, ये सब आप लोग डेली बेसिस पे जितना खाना चाहते हैं खाएं, और ये जो चीज़ें मैं आपको अब बता रही हूँ ये आप कम खाइए, लेकिन खाइए, इंसान को खाना भी चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें आपने करनी है वो आपने इनमें से जो मैंने आपको आखिर में ट्रांस फूड बताई है ये थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद सैचुरेटेड जो आपको बताई गई हैं आप लिमिट कर सकते हैं, जो चिकन है, जो बीफ है, ये सब चीज़ें आप लिमिट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। ओमेगा थ्री आपको डेली बेसिस पे खाना चाहिए, आपको वो फिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप रोज़ाना मछली नहीं खाना चाहते तो ओमेगा थ्री के सप्लीमेंट्स भी आते हैं जी, आप सप्लीमेंट ले लीजिए रोज़ाना। आपका टोटल जो फैट इनटेक हर रोज़ होना चाहिए वो 25-35% होना चाहिए, इससे बढ़ के नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आपका सैचुरेटेड फैट का कंटेंट आता है 25-35 के अंदर, वो आता है जी लेस देन 10%, बाकी जो आपको गुड फैट खानी है, लेकिन लेस देन 10% आप सैचुरेटेड फैट्स खा सकते हैं। और ट्रांस फैट जो है वो आप लेस देन 1%, सॉरी लेकिन ऐसा ही है। अच्छा, इसके बाद
कुछ टिप्स मैं आपको दे दूँ, वो ऐसे कि जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाएं हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें और उसमें पढ़ लें कि जी उसमें ट्रांस फैट कितनी है एंड सैचुरेटेड फैट्स कितनी है, तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट का, ये मैं अवॉइड कर दूँ और मैं उस तरफ जाऊँ जहाँ पे पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड या ओमेगा 3 है, वो फैट आप ज़्यादा ले लें, कोई मसला नहीं है जी। इसके बाद जब भी गोश्त लेने जाएं तो लीन कट गोश्त लीजिए, बिल्कुल लीन, जिसमें सारी चर्बी निकाल के साइड में रखी होती है, सिर्फ गोश्त होता है जी, वो सिर्फ प्रोटीन होती है, वो लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है वो। उसके बाद गो फॉर थिंग्स जो कि बेक हैं या बॉयल हैं या ग्रिल हैं, नॉट फॉर फ्राइड थिंग्स, ठीक है जी। ये तीन लेबल्स आपने सुन लिए ना, बेक, बॉयल, ग्रिल, बस इन चीज़ों को खाइएगा, फ्राई को अवॉइड कीजिए। उसके बाद खाना बनाएं तो ऑलिव ऑयल में बनाएं या कनोला ऑयल में बनाएं, फिर आप आराम से खा सकते हैं, ये दोनों ऑयल हेल्दी हैं। उसके बाद जो हमारे डेयरी फूड हम लोग खाते हैं, जब हम दूध और चीज़ एंड योगर्ट और ये सब चीज़ें लेते हैं तो उनको लो फैट या फैट फ्री जो होती हैं वो प्रेफर किया कीजिए, और फुल क्रीम, फुल रिच जो है वो थोड़ा अवॉइड किया कीजिए। इसके बाद क्रीम, चीज़ सॉसेस, ये थोड़ी सी अवॉइड करने की बात है, और बस आपकी ज़िंदगी हेल्दी जी। आप कहेंगे सुबह सुबह इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ, बस जी ये हेल्दी फैट के बारे में हुआ, और वक्त आपको पता है किस चीज़ का हो गया, वक्त हो गया है जी पोल का, तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। आज के पोल का सवाल बड़ा मजे का है, हम सब देखते होंगे अपने सराउंडिंग में, हम लोग करते भी होंगे, इसलिए मैंने कहा कि चले आपसे पूछूं कि आपको लगता है ये सही है या गलत। और आज के पोल का सवाल है, चापलूसी करना किसी की अपना काम निकालने के लिए, या सिर्फ इसलिए भी कि वो आपका सीनियर है, चापलूसी करना जो है सही है या गलत है, इसका जवाब आप लोग हमें देंगे। और ये जवाब हमने कुछ लोगों से भी पूछा है, देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है। गलत है, गलत है, गलत है यार, सीधी सी बात है, गलत बात है, क्या करें, अगर चापलूसी नहीं करेंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती है। के मस्का लगाने से बात तो बन जाती है, लेकिन बाद में जब पता चलता है ना कि ये गलत है तो फिर मसला बन जाता है। गलत है, जाहिर सी बात है, गलत बात बोलेंगे उसी पे लोग चलेंगे। चापलूसी का मतलब ये होता है कि आदमी दिल से किसी की इज्जत नहीं कर रहा और खुशामंद कर रहा है, सम टाइम जरूरी है, सम टाइम नहीं है जरूरी। हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी करता है, हर एक दूसरे को मस्का लगाता है, हर एक दूसरे की बुराई है तो कम करते हैं आजकल, चापलूसी ज्यादा करते हैं, यार इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए देखे, यार कितना स्वीट लग रहा है यार, तो ये तो चापलूसी इसी को कहते हैं, तो सही बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए, गलत है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन है। ये लेडीज आ रही है, देखिए कितना महंगा सूट पहना हुआ इसने, हर आदमी एक दूसरे की चापलूसी करता है, अगर ये ना करे ना तो माशरे के अंदर कोई शख्स जो है ना अपने आप को वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना एक दूसरे को ये देखेगा कि यार कितना अच्छा इसने कर रहा है। बॉस की चापलूसी करते हैं ना सब, और ये तक चापलूसी ना करे उसका दिन भर का वक्त नहीं पास होता, टाइम पास नहीं होता, और वो ये सोचता है कि यार कितनी अच्छी मैंने सुकून से ये आज का दिन गुजार लिया, चापलूसी ना करे, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। जी वैसे भी आपने लोगों के व्यूज सुने, सबसे आखिरी वाला व्यू सबसे मजे का था, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट, इसी तरह के व्यूज हमें आपसे भी चाहिए जी, और आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी, विच इज www.facebook.com/healthymorning.tv, यहाँ पे भी आप आकर हमको बता सकते हैं, और फोन लाइन्स में भी ओपन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है जी, छोटा सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाए, I will be right back.